बुखार और सिर दर्द हो रहा। सर दर्द हो रहा कब से? सर स्कूल के सर लंच हुआ था तब से। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। चूँकि आज मैंने है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग पे नहीं बोलकर अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की, क्योंकि आज है हिंदी दिवस, तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी जो है सब बहुत ही सम्माननीय भाषा है, सभी का सम्मान करना जानती है। हिंदी दिवस पर जो है आज मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग करूँगा और आप सभी लोग कोशिश करिएगा। फिलहाल जो है मम्मी जी ऐसे सो रही हैं आज, ऐसे सोने का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब चादर ओढ़ के। क्यों? क्योंकि मौसम बदल चुका है भैया, सिर्फ पंखा चल रहा है, कूलर तो चल ही नहीं रहा उधर। ठीक ये है कि कल से जो है मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, एकदम ठंडा हो रखा है, यहाँ पे बारिश हो रही है। सुबह लगभग 3 बजे के आसपास जो है जब मैं बाहर निकला था तो देखा था मैंने कि बारिश हो रही थी, और अभी बहुत बारिश हुई है, ठीक ठाक बारिश हुई है, मतलब एकदम झमाझम वाली। तो जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जो है ना मौसम पूरी तरह से बदल गया, एकदम ठंडा हो गया है, एकदम चेंज। आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए अभी हमारे उन्नाव का मौसम कुछ ऐसा वाला है। आप भी सोचते होगे कि अब चलते नीचे यार, नाश्ता करना, भूख बहुत तेज लगी है। आप लोग भी सोचते होगे मौसम के बारे में बहुत बताता है, तो यार अच्छी बात है ना, आप लोगों को उन्नाव के मौसम के बारे में पता चल जाता है। और ये देखिए भाई हमारी चाय बन रही है, तो चलिए फटाक से करते हैं नाश्ता और फिर आप लोगों से मुलाकात करता हूँ मैं। आज का जो ब्रेकफास्ट है ना वो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल मतलब ये है कि आज मुझे मिला सब्जी पराठा, वहाँ मूली के पत्ते और आलू की सब्जी बनाई मम्मी ने, तो मूली के पत्ते उनकी और आलू की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हरी सब्जियों में मुझे ये और पालक दो सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो हरी सब्जियाँ भाई खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो भाई जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं जा रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि बादल बहुत घनघोर हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि हमारे उन्नाव का मौसम जो है ना कैसा हो रखा है। ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल है, चारों तरफ सिर्फ बादल है, और ऐसा लग रहा है कि बारिश अगले 1-2 दिन तक लगातार होती रहेगी। अब मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि कल है मेरा एग्ज़ाम और सुबह मुझे 6:30 बजे यहाँ से निकलना होगा, 6:30 से 7 के बीच में, क्योंकि सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम है और लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे कवर करना है। कैसे जाऊँगा? बाइक से जाऊँगा, लेकिन अगर बारिश होती रही तो कैसे जाऊँगा, ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। जल्दी से नीचे चलते हैं यार, क्योंकि बारिश होने लगी है और मैं ना यार चाय पी रहा था अब, क्योंकि यार बारिश होने लगी ना यार, देखो छतें गीली होने लगी हैं, कपड़े गीले हो जाएंगे बिना, तो क्या है। तो चलता हूँ मैं झट से नीचे। तो बैंक आया था लेकिन बारिश हो रही है बारिश, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही। तो अब मैं जाऊँगा सीधा यहाँ से पढ़ाने के लिए, जल्दी से पूरी तरह से भीग गया हूँ एकदम, बारिश तेज़ हो रही थी रास्ते में, तो टॉवल मंगाइए गिट्टू से। और अब थोड़ा सा खुद को सुखा सकता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं सूख पाऊँगा, फिलहाल पंखा चल रहा है तो इससे भले ही सूख जाऊँगा मैं। तो अभी मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा, देखो जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे नया घर खड़ा कर दिया है मैं इस पे घुस के बैठूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद में, मतलब थोड़ी देर के बाद में जब क्लास ओवर होती है तब। शाम के 4 बज रहे हैं और मेरी क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है, लेकिन बाहर देखा तो गेट के पास में बहुत अंधेरा टाइप का लग रहा है, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है, ऐसा लग रहा है शाम के 6:30 बज रहे हों। तो अभी गाइस क्या है कि बाहर से आवाज़ें भी आ रही, लग रहा है कि बारिश हो रही है, बाहर चलते देख चल के कितनी तेज़ हो रही है बारिश, और निकल पाता हूँ कि नहीं निकल पाता हूँ भाई। कुछ इस तरीके का मौसम है यार आज भी, और मुझे निकलना था लेकिन अभी बज रहे हैं शाम के 4 और ऐसा लग रहा है शाम के 7 बजे। तो भाई एक बार फिर से आज हो रही है बारिश और आज भी मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे, अभी देखते हैं, और लगता नहीं है कि अभी जल्दी जो है बारिश निकलने वाली है। चलो किट्टू आ जाओ चले। मैं सोच रहा था क्लास ऑफ हो गई है तो बोला गया यहाँ पे जाकर बोला मैं पढ़ा लूँगा, लेकिन हुआ क्या कि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सब चलो खैर हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा लंबे समय तक चलेगी क्योंकि बारिश 100% अभी कम से कम ये आधे घंटे 45 मिनट से पहले नहीं बन रही, तो फालतू में नहीं बैठना है भाई। बारिश धीमे हो चुकी है और अब चलेंगे भोला के घर, लेकिन भोला के घर जाने से पहले भोला की दवाई लेनी, क्योंकि भोला हो गया बीमार, तो भोला की मम्मी का फ़ोन आया था, तो पहले चलेंगे मेडिकल स्टोर, वहाँ से लेंगे दवा और फिर जाएंगे भोला के घर, देखते हैं हल्के भाई क्या प्रॉब्लम है भोला को। यहाँ से लेंगे हम लोग दवा और फिर चलेंगे घर। फाइनली मेडिसिन ले ली है भोला के लिए, और अभी भोला का फ़ोन आया था
तो उसको जो है दवा की ज़्यादा ज़रूरत है। चल बोला हो गया बीमार, क्या हो गया? बुखार और सिर दर्द हो रहा। दर्द हो रहा कब से? स्कूल के सर लंच हुआ था तब से। कब से हो रहा? तो भाई आज भोला की क्लास नहीं चलेगी क्योंकि आज भोला जो बहुत बीमार है, चेहरे से ही पता चल रहा होगा, तो अभी मेडिसिन ला के देगी, दिया है मैंने, अभी खाएंगे ठीक हो जाओगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो गाइस अभी इनको मैं होमवर्क दे दूंगा और फिर मैं निकलूँगा घर के लिए यहाँ से, क्योंकि अब ये आज तो पढ़ेंगे नहीं, तो अब कल ही सीधा इनको। सो गाइस भोला की क्लास तो हो नहीं पाई, तो अब सीधा यहाँ से सोच रहा हूँ कि मैं पीटी नगर जाऊँगा, क्योंकि बारिश हो रही है, तो अगर मैं घर जाऊँगा और बाद में ज़्यादा बारिश होने लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर एक ही बार भीगे हूँ भीगना ही है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से सीधा चलते हैं पीटी नगर। मैं जाने वाला था पीटी नगर लेकिन मैं आ गया घर, क्योंकि टी शर्ट पूरी तरह से भीग चुके, कपड़े भीग चुके, तो इन्हें चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद मैं जाऊँगा पीटी नगर। लेकिन मैं आपको इसके पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देख रहे ना गिरा है, ये छज्जा गिर चुका है मेरा, बहुत सारा हिस्सा जो है वो पुराना हो चुका है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से टूट कर गिर रहा है, ये घर किस दिन गिर जाएगा। पहले खाना वगैरह खा लिया है, चेंज कर लिया है और अब जा रहा हूँ मैं पीटी नगर। लेकिन पीटी नगर जाने से पहले मैं अपने कल जो मेरा एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकलना होगा, उस टाइम पर शॉप नहीं खुलेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा शॉप, वहाँ से निकलवाऊँगा अपना एडमिट कार्ड। एंड निकल है मेरा कॉलेटर्स यानी एडमिट कार्ड। गाइस फाइनली एडमिट कार्ड निकल आया है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, अब समझ में नहीं आ रहा पीटी नगर कैसे जाएँ, क्योंकि एडमिट कार्ड तो निकलवा लिया लेकिन यहाँ से पीटी नगर लगभग 2 से 3 किलोमीटर, और वहाँ तक पहुँचेंगे तो समय लग जाएगा 10 से 15 मिनट, इतने में तो मैं भीग जाऊँगा बहुत बुरा। तो फिलहाल अभी यहाँ से मैं जाऊँगा वापस और फिर देखता हूँ, वेट करूँगा, बारिश अगर रुकती है तो जाऊँगा, वरना जाना कैंसिल। घर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर घर तक भी जाऊँगा तभी भीग जाऊँगा, और मेरा मोबाइल और मेरे जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं ये सब भीग जाएंगे, तो मुझे ये शॉप पर वेट करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो होगी बारिश तब देखते हैं कि आगे घर जाना है कि पीटी नगर जाना है। बारिश थोड़ी सी धीमे हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ कि घर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मेरी जेब में डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं, उनको जो है मैं घर पर रख देता हूँ, फिर बाद में अगर बारिश बंद होती है तो फिर चलेंगे भैया। घर आने में मुझे मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगे, लेकिन उसमें भी मैं भीग गया हूँ पूरी तरह से, तो सोचिए अगर मैं पीटी नगर जाता वहाँ पे 10-15 मिनट लगते हैं, मैं पूरी तरह से भीग जाता, इसलिए मैं फ़िलहाल अभी घर चला आया हूँ और घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख दूँगा, उसके बाद देखता हूँ कि जाने को होगा, मतलब बारिश कम होगी तो जाएँगे, नहीं तो फिर आज तो घर पर रहना है। अभी जो है हम लोग अभी वेट करेंगे, और फिलहाल आपको पता है अभी मम्मी देखो कितनी क्यूट क्यूट लग रही है ना, सो अभी जो है मैंने उसमें देखा था वेदर रिपोर्ट में, उसमें दिखा रहा था कि अगले 48 घंटों तक भारी बारिश है। अब ऐसे में कल सुबह सुबह मेरा एग्ज़ाम है, अब क्या होगा पता नहीं, रेनकोट पापा लेके चले गए दूसरा वाला, यार बारिश में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी ज़रूरत महसूस हो रही है रेनकोट की। लेकिन देखते हैं कि जाना तो है ही एग्ज़ाम देने के लिए, कैसे जाएंगे, अगर थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से वहाँ सेंटर तक का, और टाइम तो लगना है उसमें निश्चित तौर पर, तो अगर 1 घंटे बारिश अगर रुक जाए तो मैं पहुंच जाऊंगा, या फिर रुक जाए तो पापा पहुंच जाएंगे, तो 2 में से 1 लोग तो भाई सही से पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल गाइस अभी वेट करते हैं, क्योंकि अभी बजाय सिर्फ 6 घड़ी में, और अभी टाइम है मेरे पास में, तो अगर बारिश बंद हो जाती है तो जाएंगे, वरना नहीं। बारिश हो गई थी स्लो, तो मैं आ गया भैया के घर पर, और उसके बाद में देखा तो भैया तो खैर मूवी देख रहे हैं। बिट्टू हैं कौन सा गेम है ये? हैं ये कौन सा गेम है? पहले नाम बताओ। गेम का नाम मैं भी भूल गया हूँ। भूल गया ये कैसे कैसे गेम खेलती हो? अरे वो वाला खेल के नमस्ते समोसा खेलेंगे अब। अरे दूसरा खेल लो। अब नमस्ते समोसा तो खेलेंगे नहीं, यही खेलेंगे अब। गाइस देख रहे हैं आप कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं, कौन सा ब्यूटी गेम खेल रहे हैं, हम तो पहली बार नाम ही सुन रहे हैं। कुछ इनकी क्लास कराते हैं एंड देन फिर उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। क्लास हो गई है ओवर और हमारी चाय आ चुकी है। वाह बारिश में चाय का मज़ा ही अलग है भाई। पूरे दिन से तो बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल जो है शाम को पढ़ाने के लिए जब मैं निकला तो बारिश बंद हो गई थी। तबीयत ख़राब थी तो भोला को तो नहीं पढ़ा पाया कि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो फिर उसके बाद मैं घर गया, घर जाने के बाद मैं वापस भैया के यहाँ पर आ गया, और चूँकि कल एग्ज़ाम है तो ब्लॉग को जल्दी से एंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना है। सो गाइस फिलहाल
मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पेंट करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को जो है मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।